नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान और आप देख रहे हैं बोलिविया न्यूज। खबर शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, अगर यह वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अगर आप Facebook देख रहे हैं तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। खबर मध्य प्रदेश के छुई मार्ग से पीपर दोन मार्ग की। ग्राम पंचायत रतनपुर की जाम से लगभग 11 किलोमीटर रोड वन विभाग का रोड है। लोगों ने बताया यह रोड अंग्रेज शासन का रोड था, यहाँ कैंप लगता था। आज़ादी के बाद वन विभाग के अंडर में यह रोड आया। 25-30 वर्ष पूर्व वन विभाग द्वारा इस रोड में मुरुमकरण किया गया था, इसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह रोड बिल्कुल जर्जर हो गई है और जगह जगह गड्ढे हो गए। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेंटेनेंस का पैसा आता है, पर लोगों ने बताया 5-6 वर्षों से कोई मेंटेनेंस नहीं किया गया। वन विभाग द्वारा इस रोड में 10-15 गांव पड़ते हैं। सरकारी काम हो या कोई भी काम हो, शिवनी जिला की ओर लोगों को इसी रोड से जाना पड़ता है। यदि कोई बीमार हो तो छुई आना पड़ता है इसी रोड से। काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। कई बार वन विभाग को, शासन को, विधायक को लेटर दे चुके हैं, पर इस रोड के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आश्वासन भर दे रहे छात्र छात्राएं, सब्जी वाले और भी अन्य काम से गांव वाले इसी रोड से आना जाना करते हैं। मजबूरन गांव के लोग, शिक्षक व छात्र छात्राएं फावड़ा कुदाली लेकर इस रोड में काम कर रहे हैं। बोल इंडिया न्यूज के लिए अजीज बाबा रहमान की रिपोर्ट। आज हम देख रहे हैं छुई से पीपर दोन मार्ग पर, वन मार्ग पर लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि 6-7 वर्ष हो गए है वन विभाग ने इस मार्ग पर कोई भी कार्य नहीं किया है मरम्मत का। इसी को लेकर गांव वाले, छात्र, गणमान, पूर्व पंच, सरपंच, सभी लोग मिलकर अपनी रास्ते को सुधारने के लिए आज इस रोड पर काम करना है। इसी ओर पर हम आए हैं आज गांव में, हमारे उन्हीं गांव से लगे हुए हैं साथी। आप बताएं सर कि ये रोड कब से नहीं बना है? सर ये तो रोड तो सर जब से बना हुआ है, गांव तो बहुत पुरखों का गांव है, अभी तक रोड बनी नहीं हुई है। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, बस सिर्फ जब चुनाव रहता है, चुनाव के वक्त सब लोग बोल देते हैं कि रोड बन जाएंगे, पर मैं अपना परिचय दे दूं, मैं सचिन मस्कोले, गोंड समाज महाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, केवलारी ब्लॉक, ठीक है। तो मेरी एक समस्या ये है कि मैंने भी उधर खेती वगैरह है मेरी वाली, तो मैं उधर करने आता हूँ, बट जो बच्चों उनका भविष्य में देख रहा हूँ वहाँ पर, कुछ जो बच्चे हैं कोचिंग पढ़ने आते हैं, टिकड्डा, चौरा, पलारी, सिवनी आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत ग्रामीण अंचल क्षेत्र है पीपर दोन, तो वहाँ थोड़ी रोड की व्यवस्था बन जाए तो बच्चों के भविष्य बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी नेता आता अपनी दिक्कतें चुनाव के समय में रख देते हैं, हाँ बोल देते हैं, बाद में उसके बाद कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे साथ एक शिक्षकगण हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि सर कितने वर्ष हो गए जहाँ वहाँ पर कार नहीं हुआ है? लगभग वहाँ पे 7-8 वर्ष हो गए, कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है। इसके पहले तो ऐसे ही वन विभाग द्वारा मरम्मत की राशि निकलती रही होगी, तो इसके द्वारा थोड़ी थोड़ी मरम्मत कर देते थे, लेकिन बीते 7-8 वर्षों से यहाँ कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हो रहा है। इसके वजह से क्या है, ये जो दुर्गम रास्ता है, अति से दुर्गम हो गया है, इससे पढ़ने वाले बच्चे जो हैं उनको बहुत दिक्कत जाती है। और यहाँ से जो 8 से 10 या 12 गांव जो यहाँ से आता जाता है, यहाँ से 4-व्हीलर 2-व्हीलर से बहुत ही गंभीर स्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। ये मार्ग जो है ये कितने गांव को कवर करता है, ये कहाँ तक के कवर करता है? ये रोड जो है ये कम से कम 15 से 20 गाँव को कवर करता है, और ये हमारे क्या है ज़िला सिवनी पड़ता है, तो इधर के जितने के गाँव के हैं तो सीधे सिवनी जाना है, तो इसी मार्ग से इनका आना जाना होता है यहाँ से। और यहाँ पर जो पीपरदोन गांव है यहाँ तक प्रधानमंत्री सड़क योजना बन गई है, लेकिन मात्र 10 किलोमीटर यहाँ से रोड अभी बना नहीं है, और इसी में सबसे दिक्कत है। इस रोड पे 2.5 करोड़ रुपए की पुल की बनी हुई है, जिसकी कोई औचित्य ही नहीं है। ये 10 किलोमीटर का रोड यदि बन जाता है तो उस पुल की महत्वता है नहीं, तो इतना गवर्नमेंट के द्वारा की खर्च है कोई वैल्यू नहीं है। आप भी वहीं के हैं? मैं उसी किनारे रहता हूँ, मेरा बच्चा जी एस्पर थे। मेरे को सब में ज़्यादा बच्चों की भविष्य की ओर है, क्योंकि बच्चे वहाँ से जो पढ़ने के लिए आते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है,
तो मेरा अनुरोध है कि ये 10 किलोमीटर का जो मार्ग है वो बन जाए, तो कम से कम बच्चों का आने जाने का जो है उनको सहूलियत हो जाएगी। आप आदिवासी समाज से हैं? विश्वकर्मा हैं आप? जी। आप कौन से गांव के? ग्रेट हो रहे। आपको भी दिक्कत जाती है? हाँ बहुत दिक्कत जी, आने जाने में बहुत दिक्कत है। अरे बहुत दिक्कत है, आधी रात पाँच रात कोई डिलीवर पीरियड में होता है तो बस, अब वो गाड़ी वाले को भी फ़ोन किए होते वो भी नहीं आते, अपने गाड़ी से लीजिए और लाओ, ऐसे हिसाब रहता है। हर चीज़ की समस्या है। अब डॉक्टर के पास भी आओ तो गाड़ी से आओ और गाड़ी से जाओ, बहुत दिक्कत है। ये आप सभी गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इस पे 14-15 गांव जुड़े हुए हैं और ये वन मार्ग है, तो इस मार्ग की दुर्दशा को सुधारने के लिए इन लोग सब, मैं कौन दोषी है सर इसका है, वो नहीं हुआ है तो इसको क्या है, शासन को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि आज़ादी के 70 वर्ष बीतने आने के बाद में लोग शासन प्रशासन को बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम बोले ये एक्चुअली में ये जो क्षेत्र है आदिवासी अंचल है, यहाँ पे वन मार्ग है, यहाँ पे आदिवासी लोग ज़्यादा निवासरत हैं और आदिवासियों के हित के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, लेकिन आप देख रहे हैं आपके प्रेजेंट में आप स्थिति को बखूबी उसको देख रहे हैं कि क्या स्थिति है लोग। अच्छा, अभी वर्तमान में इसमें यहाँ विधायक भी आए थे अभी कुछ दिनों में। जी हाँ, अपने केवलारी विधानसभा के, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि देखो भाई बोले, अब हम लोगों की बोले अभी उस समय यहाँ पर एक्चुअली में कांग्रेस की सरकार थी, तो उनका महोदय जी का ये कहना था कि अभी तो बोले कांग्रेस की सरकार है, हम क्या कर सकते हैं, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी हाँ, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर अभी क्या बोले उन्होंने कुछ आश्वासन? हाँ, उसके बाद तो हमारे विधायक महोदय जी का क्षेत्र में दौरा ही नहीं हुआ है, तो अब क्या बताएं अब उसके बारे में। अब वास्तविक स्थिति ये है कि जो हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, अब रास्ता सही रहेगा तब तो वहाँ आएंगे जाएंगे, अब रास्ता ही नहीं है तो उधर तो कोई ढूंढ के नहीं देखता है। इनका साफ कहना है कि उस गाँव की तरफ कोई देखता ही नहीं है।